नमस्कार, मैं हूं जी और आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज। सागर शहर के संत रविदास वार्ड से एक हैरतअंगेज मामला निकलकर सामने आया है, जहां प्रधानमंत्री आवास योजना को लेकर भटक रहे हितग्राही का परिवार निगम कार्यालय के बाहर धरने पर बैठा है, जिससे निगम के आला अधिकारियों समेत जनप्रतिनिधियों में हड़कंप मच गया। यह पूरा मामला प्रधानमंत्री आवास योजना में पार्षद द्वारा योजना में लाभ दिलाने के एवज में मोटी रकम हितग्राहियों से वसूली का है। हितग्राही द्वारा क्षेत्रीय पार्षद पर आरोप है कि पार्षद द्वारा उसे आवास की मंजूरी नहीं मिल पा रही है। मंजूरी करने के एवज में पार्षद चेताराम अहिरवार 20,000 रुपए रिश्वत के तौर पर मांग रहा है, जिसे देने में वह असमर्थ है। आवास की मांग को लेकर हितग्राही बिहारी अहिरवार ने कई बार नगर निगम को आवेदन दिए, लेकिन पार्षद की उदासीनता के चलते उसे फॉर्म को अस्वीकृत कर दिया गया। वहीं इस पूरे मामले को लेकर जब क्षेत्रीय पार्षद चेताराम अहिरवार से बात की गई तो उनका कहना था कि हितग्राही बिहारी अहिरवार का किसी भी निविदा में नाम नहीं है, उसका पहले से ही पक्का मकान है, जिस वजह से उसका आवेदन अस्वीकृत कर दिया गया। वहीं मामले को लेकर जब नगर निगम उपायुक्त प्रणय कमल खरे से बात की तो उनका कहना था कि मामले की हितग्राही द्वारा पूर्व में आवेदन दिया गया है, इस मामले में सोमवार तक जांच कमेटी बनाकर निष्कर्ष निकाला जाएगा। सागर से अनिल वर्मा के साथ सलमान कुरैशी की यह रिपोर्ट, बने रहिए द खबरदार न्यूज के साथ। नमस्कार जी, हमारा बिहारी हर बार आज की बात के लिए क्या आप सड़क पर बैठे? हम इसलिए बैठे थे यहाँ पे कि हमारे यहाँ का मेंबर हमारे साथ जाति दुश्मनी निभा रहा है और हम सबसे 20,000 रुपया लिए हैं और हमने नहीं दिए तो हमारी कुटी को आवास योजना नहीं निकलवाया और हम भटक चुके हैं आज के 3 साल से, 3 साल से भटक रहे हैं। हमारी कुटी में कोई नाम नहीं आता है और आता भी है तो जो कटवा देता है मेंबर, इसलिए हम भटक चुके 3 साल से। हमारे बाल बच्चे देखो श्रीमान जी ये भटक रहे, हम संगे भटकते हैं और जय के दर मेंबर अगर तुम्हारा काम हो भी रहा होगा, जुड़ भी रहा होगा नाम, तो हम कटवा देंगे और करवाएंगे भी नहीं। इसलिए जय संत रविदास वार्ड बड़ा करीला और वहाँ का मेंबर है चेतरा। आपने इसके संबंध में कहाँ कहाँ? हमने 4 दफे नगम में भरा आवास योजना में फार्म और 2 दफे विधायक जी के यहाँ भरा है, तो विधायक जी ने कहा तुम्हारा काम हो जाएगा, लेकिन चेतराम ने नहीं करवाया क्योंकि विधायक जी ने हमारे सामने ही फोन लगाया था चेतराम को, तो चेतराम ने कह दी हाँ भेज दो हम करवा देंगे, तो चेतराम ने फिर हमारे रद्दी में कागज फेंक दिए और उसके बाद हमने प्रभु दयाल की यहाँ भरा, प्रभु दयाल ने जुड़वाया नाम NGO में, NGO में से नाम हमारा कट गया, कट गया, हम देखने आए उसमें से कट गया क्योंकि उसने बोल दिया कि पार्षद के कारण जो है आपको आवाज हमारा आवास योजना नहीं मिल पा रहा है। आज आपने क्योंकि वो 20,000 ले रहे, हमने एक बार मना किया था कि हम नहीं दे सकते, हम गरीब आदमी हैं और उसने किया था नहीं दे हो तो हम तुम्हारी कुटी नहीं लेकर आंदे, अब चाहे तुम कैसे रहे हो चाहे कछु रहे हो जय बोल देता। आज अधिकारी से चर्चा हुई, क्या आश्वासन मिला है आपको? आज हमें कुछ आश्वासन नहीं मिला, हम श्रीमान जी हम जेठा रहे यहाँ और जय बोल रही है कि आप घर जाओ आपका काम हो जाएगा जी, यानी कि आप जैसे बोल रहे जी बोल रहे जी बोल रहे, हमें कोई आश्वासन अभी नहीं मिला है क्या और अभी भी और आज नहीं तो हमारी भी समझेगी कुछ नहीं, यानी कि फिर बैठ जाएंगे क्योंकि हमारा काम नहीं होगा तो हम तो गरीब मर जाएंगे। वो हम तो ये बोल रहे कि हमारे घर की स्थिति देखो, अभी सर्वे कीजिए, हम पात्र हैं कुटी के अथवा नहीं है। मोदी जी ने की है कि जिसके पास 3 एकड़ जमीन है और 3 से कम है उसको कुटी का लाभ दिया जाए और हमारे यहाँ तो 1 एकड़ यानी कि हमारा 1 बीघा भी नहीं है, यानी कि सोने के लिए जगह ही नहीं है तो हम कहाँ रहेंगे। हम जितने में जा सोचना के इतना ही मिल जाएगी कुटी तो हम बाल बच्चों को रैन बसर वहीं कर लेंगे। और NGO द्वारा इनके फॉर्म भरे गए थे, पूरे बार के भरे गए थे, हम नहीं भरवाए थे और NGO के साथ भी मिलकर हम लोग गए, लेकिन 1500 लगभग मेरे वार्ड में फॉर्म भरे गए, 500-600 की समथिंग कुटी बन चुकी है और कुछ नाम DPR में, लेकिन बिहारी अहिरवार जी का मेरे नगर निगम की किसी भी DPR में नाम नहीं है और इनका मकान 2 कमरों का पक्का बना हुआ है लेंटर वाला, आप स्वयं जान के देख लें, और ये बार बार दबाव डाल रहे हैं कि आप मुझे कुटी दिलाइए, आप स्वयं देखिए कि एक कुटी मुझे कुछ नहीं है, NGO द्वारा जो सर्वे में आ जाएगा मैं उसकी तैयार हूँ, मैंने मतलब ना तो मुझे उसमें साइन होने ना मुझे टीप लगने कुछ मेरी, तो ज़बरदस्ती में जो 2-4 बार ये और भी शिकायत कर चुकी है मेरी मेरे मतलब किसी दल विरोधी के थ्रू,
वही बार बार मेरे लिए मेरी बदनाम करने के लिए मुझे शिकायत करने के लिए पीड़ित कर रहे हैं कि मुझे कुटी दिलवाओ कुटी दिलवाओ। इनका सीधा आरोप है कि जातिगत दुर्भावना है और जो है आपको पैसे नहीं मिल रहे इसलिए जो है आप इनकी कुटी नहीं होने दे रहे। नहीं 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 ऐसा कोई विषय नहीं है, DPR में इनका नाम नहीं, तो पैसे और ना पैसे लेने की या ना लेने की कोई विषय नहीं, ठीक है, क्योंकि कोई भी कुछ भी बोल देगा। और मैंने किसी से लिया नहीं, कोई सबूत दर्ज है कोई कि हाँ मैंने लिया है किसी से एक रुपये भी, मैं मुझे बदनाम करने के लिए, क्योंकि सबको मालूम है कि चेतराम की छवि खराब करना, चेतराम की छवि अच्छी है, इसलिए मुझे बदनाम करने के लिए कोई ना कोई साजिश रची जा रही है। और ये तो चुनाव आने वाला दिन पर दिन यही काम होना है और कर रहे हैं लोग। हर्षद जी जैसा कि देखने में आ रहा है कि आपके ही वार्ड से जो है ज़्यादातर शिकायतें आती हैं, क्या क्या है कि BLC को लेकर आप अभी श्रीमान जी अभी आप ये देख लीजिए, संत रविदास वार्ड में सबसे बड़ा वार्ड है और मेरे वार्ड में मैंने 500 कुटी नगर निगम द्वारा बन चुकी हैं। अब 1500 फॉर्म भरे गए थे तो अब आदमी को क्या है कि गरीब आदमी है घबराते हैं, मुझे इससे दुख नहीं कि मेरी शिकायत क्यों कर रहे हैं, लेकिन मुझे बदनाम करने के लिए मतलब कोई सारा रस देती है, 2-4 बार और भी कर चुके हैं लोग। यदि किसी से मैंने पैसे लिए तो सबूत दे दूँ, मैं ऐसा कुछ पैसा नहीं। प्रशासन स्तर पर इनकी मदद हो इसके लिए पहल करेंगे? हाँ बिल्कुल करेंगे, कभी भी मैंने कोई चीज़ की मना भी नहीं करी, पट्टा भी मैंने बनवाया, शौचालय भी मैंने बनवाई, मुझे कोई आपत्ति नहीं। और बच्चे ऐसे उनमें नहीं है जब आते ठीक है, मुझे कोई आपत्ति नहीं लगी। आवाज़ को लेकर कुछ समस्या क्या दिक्कत आ रही? इनका जो शिकायत, इनका कहना ये है कि हमारे द्वारा आवेदन दिया गया पूर्व में कुटीर के लिए और उस पर अभी तक कोई कार्रवाई नहीं की गई है, तो उसी के संबंध में इनकी शिकायत थी। तो जो उन्होंने आवेदन दिया उसकी जांच, क्योंकि आज छुट्टी का दिन है और कल संडे पड़ेगा, तो सोमवार को इनका पूरा प्रकरण जाँच करा के और जो भी न्यायोचित होगा वो करा दिया। ऐसे कई और मामले देखने में आ रहे हैं जिनको लाभ नहीं मिल पा रहा है, तो कहाँ आपको लगता है कि इसमें दिक्कत जाती है? अब निश्चित रूप से किसी को लाभ मिला या नहीं मिला ये तो जांच का विषय है, क्योंकि ये विभाग जो है BLC वाले जो देख रहे हैं सहायक आए उनसे देख के बात करेंगे सोमवार को, और ये जो प्रकरण अभी हमारे सामने लिखित में जो शिकायत के साथ आएगा इसका सोमवार को निराकरण करेंगे।